मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वैदिक गणित का नाम आपने सुना है, वैदिक गणित के सूत्र 17 सूत्र है। इन सूत्रों को जो सीख लेगा वो गणित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि कैलकुलेटर से ज्यादा तेज कैलकुलेशन वो कर पाएगा। कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं गणित का। एक बहन जी हैं, एक माता जी हैं, नाम नहीं लेना चाहता उनका, आप सब समझ जाएंगे एक मिनट में। वो पूरी दुनिया में प्रवास करती हैं और बड़े बड़े शो करती हैं, लाखों रुपए उस शो के वो लेती हैं। एक एक व्यक्ति उस शो में जाए तो हजारों रुपए की टिकट खरीदता है, डॉलर्स में खरीदता है। और वो माता जी सबको यही बताती हैं गणित के सूत्र, और चमत्कारिक तरीके से बताती है। 10 अंक का कुछ संख्या लिख दो और 10 अंक की एक संख्या लिख दो, दोनों का गुणा कर दो, कैलकुलेटर जितनी देर में बताएगा वो माताजी उसके पहले बता देती है, और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके ऊपर। वो कुछ भी नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र हैं, कोई सीख लेगा तो वो बता देगा, उसमें कौन सी खास बात है। और उनके बारे में अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन आता है, जिनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है, जिनके गणित की गणनाएं कंप्यूटर से ज्यादा तेज है, ऐसी माताजी का व्याख्यान सुनने आइए या दर्शन करने आइए। मैं सोचता हूं कि ऐसी तो सभी माताएं हो सकती है, सभी बहनें हो सकती हैं, सभी भाई हो सकते हैं, बस वैदिक गणित के वो 17 सूत्र सीखने की देर है। और वो सूत्र अगर आपको सीखने हो तो पुस्तकें उसकी बाजार में उपलब्ध हैं। मेरी आपको एक विनम्र प्रार्थना है, वो ये कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो सूत्र जरूर सिखा दीजिए, गणित उनको रोचक हो जाएगा। हमारे देश के बच्चों को गणित में ही सबसे ज़्यादा बोरियत आती है, क्योंकि आज जो हम गणित सीखते और सिखाते हैं वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं, उसमें रस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो वैदिक गणित लिखा गया है इसको सीखने में इतना रस है कि आप 90 साल के भी हो जाएं तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे 15-17 साल के बच्चे सीखते हैं। हमारे भारत में शिक्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि शिक्षा को रसपूर्ण बना के सिखाना, हंसते हंसते सिखा देना, खेलते खेलते सिखा देना, गाना गाते गाते सिखा देना, गीत गाते गाते सिखा देना, दुनिया में कहीं नहीं है ये। तो वैदिक गणित के सूत्रों को आप सीखें बहुत अच्छा हो, नहीं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, उनसे आप आसानी से कर सकते हैं। और मेरा तो कहना है कि आप सीखकर दूसरों को सिखाने का अभियान चला सकते हैं। कम से कम ये जो तिलिस्म बना हुआ है 2-3 लोगों के नाम पर कि वो गणना करते हैं कंप्यूटर से ज़्यादा तेज, मैं चाहता हूँ भारत स्वाभिमान का हर कार्यकर्ता, वो भाई हो या बहन, कंप्यूटर से तेज गणना कर सकता है अगर वैदिक गणित के ये सूत्र सीख लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।